नमस्कार, रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता, आज राइस चकली या मुरोक्को के नाम से जानते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। 2 कप पानी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून उजला वाला तिल, 1 टीस्पून काली मिर्च ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून स्वाद के अनुसार नमक, 2 कप चावल का आटा उसमें डालकर जब पानी अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब उसमें डाल करके उसे मिक्स कर लेंगे। इसका रेशियो है 1 कप, अगर आपके पास चावल है तो 1 ही कप पानी लें। यहाँ हम 2 कप पानी लिए हैं इसलिए 2 कप चावल का आटा है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे एक तवा रख देंगे गैस पे, और उसे जब तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आँच एकदम सीम करके 5 मिनट तक इसे ढक करके पकाएंगे। वो देखने में देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल, इसमें पूरा अच्छी तरह से भाप उसका कवर में दिखता है। उसके 5 मिनट तक उसे छोड़ देंगे इसी तरह ढका हुआ, ताकि वो अपने भाप से पक जाता है और एकदम ठंडा नहीं होने दें। जब थोड़ा सा गर्म ही रहे तो इसे मसल मसल कर, ये देखिए अच्छी तरह से इसे मसल कर अच्छा डो बन जाता है। ये 3 लोई करके हम अच्छा सा बना करके रखे हैं। ये देखिए इसका मशीन है, 3 तरह का है इसमें, बड़ा, मीडियम और सबसे छोटा। सबसे बड़ा वाला हम लगा करके इसमें टाइट कर ले रहे हैं स्टार को। मशीन में इसे 1 लोई को डालकर इसके ऊपर का कवर को बंद कर लेंगे। चलिए अब चकली बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये सटता नहीं है, चिपकता नहीं, कोई भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बनाएं, और उसके बाद उसे अपने से तोड़ के उसे चिपका दें। साइज अपने अनुसार बना लें। इसे चिपकाने से होगा कि जब ये छानेंगे तो वो खुलेगा नहीं। इसी तरीके से सभी चकली को ये बना लेंगे। सभी चकली बनकर तैयार है। अब इसे धूप में 2 दिन तक सुखा देंगे। ये देखिए धूप में सूख गया है। अब इसे एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिए हैं, इसे छान के दिखाते हैं। ये देखिए कितना छोटा था और ये कितना ज़्यादा फैल गया है, खिला है कितना अच्छा से चकली। ये राइस चकली बिल्कुल ही बहुत खूबसूरत और बड़ा बड़ा बन रहा है। देखने में जितना छोटा उसे डबल फैल जाता है। चकली बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। ये बनाइए, एंजॉय कीजिए, अच्छे कमेंट दें। इसे तोड़ के भी हम दिखाएंगे कैसा बना है। बहुत ही कुरकुरा और सॉफ्ट है। इसे एक बार खाइएगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट बना है। अच्छे कमेंट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।